चाय बना रही हूँ क्योंकि ना मेरे गले में पता नहीं आप लोगों ने वॉइस ओवर में भी वो किया होगा कि मेरी प्रॉब्लम कर रही है आवाज़ ना, मतलब गला ठीक नहीं है पूरी तरह से। डेली चाय पी रही हूँ मैं सुबह शाम, बट गला ठीक नहीं हो पा रहा है। तो चाय बनने के लिए रख देती हूँ। अभी बहुत ज्यादा है क्योंकि बारिश कंटिन्यू होगी ना तभी ठंडक होगी। थोड़ी हल्की फुल्की बारिश हो जाती है ना उससे अंदर ना सफोकेशन हो जाता है बहुत ज्यादा। बाहर तो ठंडक हो जाती है बट अंदर गर्मी हो जाती है। आप लोग बताना आपके यहाँ पे बारिश हो रही है, कैसी हो रही है, क्या हो रहा है बताना, अपने हाल चाल भी बताना। और थोड़ा सा टेंशन है अभी किसी चीज को लेकर के, तो चलती रहती है कुछ ना कुछ टेंशन चलती रहती है। तो वो जो डेकोरेशन वाला काम है वो तो हो गया था कल के ब्लॉग में, मैंने आपको दिखाया भी था बट कंप्लीट नहीं हुआ। उसको कंप्लीट करवाना है मुझे, करना है या करवाना है। बिस्किट खाओगे? चलो मिलती हूँ आपसे। आप अभी जहाँ भी देखेंगे ना वहाँ मेरे घर में काम ही काम दिखेगा। इस वाले रूम में जो पूजा वाला रूम है उसमें इतने सारे कपड़े हैं, मतलब कुछ कपड़ों पर प्रेस करना है, कुछ कपड़े अभी ऐसे ही पड़े हुए हैं, बहुत तरह के कपड़े मतलब यहाँ पे रखे हैं क्योंकि कुछ भी ना पूरी तरह से सेट नहीं किया है अभी मैंने, तो धीरे धीरे करना है। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। सुबह इस चाय पी ली है और मौसम ना अच्छा हो रहा है, मतलब बाहर अच्छा हो रहा है, अंदर गर्मी लग रही है। और मेरे बाल आपको दिखाऊँगा, इस ये देखो मेरे बाल पूछ हो रहे हैं, पूछ पूरे पूछ हो गए हैं, पूरे बाल मेरे मतलब ख़राब हो गए, डैमेज हो गए सारे बाल। केयर करनी पड़ेगी बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। तो आपको क्या बताऊँ, मतलब बालों को ऐसे खींचती हूँ ना तो बहुत सारे बाल निकल आते हैं, इसलिए नीचे से ही हो गए। जब मैंने हेयर कट कराया था ना तो इसी की वजह से कराया था क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा मतलब नीचे से ख़राब हो गए थे। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि तुम बहुत पतली हो गई हो, अजीब सी लगती हो। तो यार अब पतली तो मैं हो गई हूँ और अजीब लगती हूँ ये मुझे समझ नहीं आया। पतले हो जाते हैं तो थोड़ा सा मतलब वीक लगने लगते हैं, और पहले मोटी हो रही थी तो आप सभी लोग बोलते थे कि कितनी मोटी हो रही है, कितना खाती है, कितनी मोटी हो रही है। और आप समझ सकते हैं इतनी सारी टेंशन, अभी मेरी मम्मी का जाना, और कभी भी मम्मी की याद आ जाती है तो रोना आ जाता है। और फिर अंदर अंदर मतलब टेंशन कुछ ना कुछ रहती है, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है लाइफ में। ऐसा नहीं है कि मैं आपके सामने खुश दिखती हूँ तो मेरी लाइफ में टेंशन नहीं है, बहुत ज़्यादा टेंशन है यार। तो इस कारण से कुछ भी समझ सकते हैं आप, हर किसी की लाइफ में टेंशन होती है, बात तो आप मानते हैं ना कुछ तो ज़रूर होती है। तो एक कमेंट ये भी आया था कि मधु की फैमिली अब तुम्हारी यहाँ नहीं दिखती है,
जब तुमने शिफ्ट किया था तुमको ज़रूरत थी काम करवाना था तो तुमने उनको डेली बुलाया, वो तुम्हारे यहाँ डेली दिखते थे, अब नहीं दिखते हैं। मतलब अजीब तरीके के कमेंट कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, जब मेरी मम्मी नहीं रही थी तो मधु और मधु की फैमिली ने ही मुझे संभाला था। दीदी वगैरह डेली मेरे पास आती थी और अभी भी डेली आती है मतलब वो, लेकिन उस टाइम पे मैं ब्लॉगिंग वगैरह नहीं करती हूँ या फिर मतलब डेली मतलब एक दो दिन में वो छोड़ करके आ ही जाती है मेरे पास और मैं भी चली जाती हूँ, लेकिन मैं भी ब्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि ब्लॉगिंग मैं बहुत कम कर रही हूँ। आप देख रहे हैं ना, मैं अपना रूटीन भी प्रॉपर तरीके से आपको नहीं दिखा रही हूँ कुछ भी, तो इसीलिए ठीक है। तो इस तरीके के कमेंट कर रहे हैं कि काम के लिए तुमने बुलाया था, अब रहने के लिए तो बुलाओ उनको, रहने के लिए क्यों नहीं बुला रही हो। तो मैं आपको बताऊं, जब मम्मी नहीं रही थी तो लवली मेरे पास रही थी एक दो दिन, दीदी भी आती जाती रही थी और बहुत हेल्प की उन लोगों ने। मैं डेली वहाँ चली जाती थी क्योंकि मुझे घर में अच्छा नहीं लगता था। जब मम्मी की डेथ हुई थी मैं डेली शाम को ना मतलब वहीं चली जाती थी और रात का खाना खा करके ही हम लोग वहाँ से आते थे। कुछ दिन तो हमने फिर ऐसा किया था क्योंकि मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। अकेले होते हैं तो मतलब मम्मी की याद आती रहती तो रोती रहती थी, तो मतलब वहाँ सब लोगों के पास जा करके थोड़ा अच्छा लगता था, इसलिए मैं वहाँ चली जाती थी। और वो भी बोलती थी मामी आप यहीं पर आ जाओ। अभी भी डेली फ़ोन करते हैं लेकिन फिर अच्छा भी लगता ना कि डेली अपन के मतलब किसी के यहाँ पर चले जाओ। वो लोग तो डेली मुझे बुलाते हैं। अब वो मेरे यहाँ क्यों नहीं आ रही मैं आपको बता रही हूँ। मम्मी जब गई थी तो फिर मैंने बहुत टाइम तक तो ब्लॉगिंग ही नहीं की, और की भी है तो मतलब ऐसे की है कि थोड़ा बहुत आपके साथ शेयर किया, फिर थोड़ा बहुत कुछ और शेयर किया, अकेले मैं किया, मतलब हिम्मत नहीं कर रही है, कर रही हूँ मैं ब्लॉगिंग करने की। अभी भी मेरा मन नहीं करता है बट काम है तो वो भी मुझे करना ही है इसलिए। तो अभी मैंने लवली वगैरह को फ़ोन लगाया था, लेकिन देखो उनकी भी पढ़ाई है, उनको भी बच्चों को अपनी पढ़ाई पर अपने घर पर पूरा ध्यान देना है। ऐसा तो नहीं है कि मतलब मैं यहाँ पर आ गई हूँ तो वो ऑल टाइम मेरे पास ही रहेंगे। उनका जब भी मन होता है वो आ जाते हैं मेरे यहाँ पे, और मैं तो उनको बहुत बुलाती हूँ, बच्चे लोग आते नहीं हैं। देखो बच्चे हैं, उनका जब मन करेगा तभी वो आएंगे, है ना। तो मधु पार्लर जाती है, दीदी भी मतलब जॉब करती हैं तो वो भी घर पे नहीं रहती हैं। तो लवली क्या है, बड़ी हो गई है, उसका कॉलेज है अभी, तो वो क्या है खाना वगैरह बनाने में बिज़ी रहती है। और उनकी फैमिली थोड़ी सी बड़ी है, आपको पता ही है 5 से 6 लोग हैं वो घर में, तो काम भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसीलिए लवली जो है ना वो नहीं आ पाती है। प्राची छोटी है, प्राची का यहाँ पे मन नहीं लगता क्योंकि उसको टीवी भी देखना पसंद नहीं है, वो थोड़ा सा बाहर खेलती है बच्चों के साथ, उसके फ्रेंड सर्कल पूरा वहीं पे है, तो वो यहाँ पे आना पसंद ज़्यादा करती नहीं है, आती थोड़ी देर के लिए फिर चली जाती है। और मधु का पार्लर रहता है, तो अब आप बताइए वो लोग फ्री नहीं है ना। जब भी वो आएंगे तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और फिर अभी वो आ भी रहे थे तो मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी आपको पता ही है, इसलिए वो आपको नहीं दिखे। लेकिन मतलब अगर कुछ दिन ही मतलब कोई लोग आपको नहीं दिखेंगे ना तो इतने नेगेटिव वे में ले जाते हैं उसको, ऐसे कमेंट करेंगे मतलब कि वो लोग भी कमेंट पढ़ेंगे तो उनको भी कैसा लगेगा, है ना, कि तुमने काम के लिए तो उनको बुलाया, अब नहीं बुला रही हूँ, रहने के लिए नहीं बुला रही हूँ। यार हद होती है, इस तरीके के कमेंट कैसे करते हो। मैं बस रिप्लाई कर रही थी कि वो इसलिए नहीं आ रहे हैं। और अभी देखो और क्या बताऊँ यार, मैं जब भी आएँगे तो आपको मिलवा दूँगी, ठीक है। कहीं निकल गए हैं चाय पीने के बाद, तो आ जाएंगे फिर पूछूंगी कि अब डिनर में मैं क्या तैयार करूं, क्या बनाऊं, समझ नहीं आता डेली का यार झंझट, खाना का बहुत बड़ा झंझट है। बोल भी नहीं पा रही, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है बोलने में मुझे, ये आवाज़ ठीक नहीं हो रही। बस मैंने बहुत कुछ कर लिया पता है, गर्म पानी नमक डाल के आप लोग बोलेंगे गरारे करना, वो मैंने कर लिए हैं, और अदरक डाल के चाय भी पी रही हूँ। आप लोग बोल रहे थे अदरक गर्म करता है, थोड़ा सा कम पिया करो, तो भी गर्म तो करता है वो बात ठीक है, लेकिन अभी अदरक वाली चाय थोड़ा सा पीना भी ज़रूरी है। काढ़ा पिए, काढ़ा ज़्यादा गर्मी करेगा, इसलिए अदरक वाली चाय पी लेते हैं। मेरे में ना बहुत सारे कपड़े रहते हैं, यहाँ भी कपड़े दिख रहे हैं, यहाँ भी कपड़े दिख रहे हैं, प्रेस करनी है, इनके कपड़े प्रेस नहीं है, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा, मतलब मेरा किसी भी काम में प्रॉपर मन नहीं लग रहा है मैं आपको बताऊँ। और आपको पता है गाइस, सुबह मैंने आज नाश्ते में क्या बनाया था, कल थोड़ा सा राइस बनाया था, कल मैंने दाल चावल बनाई थी ना तो थोड़े से बच गए थे, तो सुबह उठ करके मैंने क्या किया, आलू प्याज टमाटर हरी मिर्ची हरा धनिया फ्रोज़न मटर ये सारी चीज़ें डालने के बाद, थोड़े से मसाले डालने के बाद मैंने बनाया था बढ़िया सा, क्या बोलेंगे उसको, मैंने वो जो राइस है उनको नमकीन कर दिया था, इतना ज़्यादा टेस्टी बना था, बहुत अच्छा लग रहा था। इस तरीके से जब भी बच जाते हैं ना तो मैं उनको मतलब दूसरे दिन फ्राई कर देती हूँ, और ये चीज़ हमें बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद है, जब भी मतलब चावल वगैरह बच जाते हैं
या तो उसका डोसा बनाइए आप, बहुत टेस्टी बनता है, बहुत क्रिस्पी बनता है, कभी आपके साथ शेयर करूँगी मैं, या फिर आप उनको इस तरीके से नमकीन फ्राई करके खाइए, मज़ा आ जाता है, बहुत अच्छा लगता है गरम गरम चाय के साथ, या फिर कभी नाश्ते में, और या अगर आप सुबह बना रहे हैं तो शाम के टाइम भी इस तरीके का नाश्ता बना सकते हैं। तो वही हम लोगों ने खाया था, उसके बाद ये चले गए थे काम से, फिर मैंने लंच तैयार किया था, जिससे मैंने रायता बनाया था, आलू की सब्ज़ी बनाई थी, चपाती थी, सैलेड था, नमकीन था। ये मतलब हम लोगों के खाने के साथ में नमकीन और सैलेड तो चलता ही चलता है, और अचार भी चलता है, तो ये तो चलता ही है। और इस बार पापड़ वगैरह नहीं बना पाए हैं हमने, तो मैं सोच रही हूँ कि मूंग दाल के पापड़ एटलीस्ट बना ही लेंगे, लेकिन आलू तो अब नहीं आ रहे हैं ठीक से, इस टाइम पे आलू मीठा मीठा आने लग जाता है, तो चिप्स वगैरह तो नहीं बना पाए मैंने, बट मूंग दाल के पापड़ मैं कोशिश करूँगी कि बना लूँगी। बस चलिए मिलती हूँ फिर। तो बस यहाँ पे थोड़े से चाय पानी के बर्तन हैं, उनको मैं क्लीन करके रख देती हूँ और उसके बाद डिनर की तैयारी करूँगी। आज इन्होंने बहुत लेट लंच किया था, 3:30-4 बज गए थे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी काम से चले गए थे, वहाँ से आने के बाद इन्होंने खाना खाया, सुबह नाश्ता कर गए थे, बोले थे जल्दी आ जाऊँगा, बट आते आते बहुत टाइम हो गया था उनको, तो उस बर्तन क्लीन करूँगी, डिनर की तैयारी करूँगी। गाइस आज मैं आपके साथ अपना हेयर केयर रूटीन शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैं मम्मा अर्थ के अनियन रेंज के प्रोडक्ट्स का यूज़ करूँगी। तो इसमें मेरे पास है अनियन शैम्पू विथ अनियन एंड प्लांट कैरेटिन, सेकंड गाइस मेरे पास है अनियन कंडीशनर विथ अनियन एंड कोकोनट, थर्ड गाइस मेरे पास है अनियन हेयर ऑयल विथ अनियन ऑयल एंड रिडेंसिल। तो गाइस स्ट्रेस, पॉल्यूशन और अनहेल्दी लाइफस्टाइल के चलते बालों का झड़ना एक आम समस्या है, इसे मम्मा अर्थ के अनियन रेंज के प्रोडक्ट्स से दूर किया जा सकता है। तो गाइस चलिए सबसे पहले बात करते हैं मम्मा अर्थ के अनियन शैम्पू विद अनियन एंड प्लांट कैरेटिन के बारे में। सल्फर, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर अनियन ऑयल बालों के झड़ने को कम करता है और बालों की ग्रोथ को तेज करता है। ये बालों के नेचुरल स्ट्रक्चर को रिपेयर करता है, बालों को स्मूथ रखता है। इसे कलर्ड बालों पर और केमिकली ट्रीटेड बालों पर भी यूज़ किया जा सकता है। तो गाइज यहाँ मैं आपको शैम्पू का यूज़ करके दिखा रही हूँ, अपना हेयर वॉश कर रही हूँ। तो इस शैम्पू में शामिल है अनियन शीट ऑयल, स्कल्प को स्टिमुलेट करता है, ब्लड सर्कुलेशन को प्रमोट करता है, इचिंग एंड इरिटेशन को रिड्यूस करता है, बालों की ग्रोथ में हेल्प करता है, बालों की रूम में डीपली प्रवेश करता है। तो गाइस आपने देखा ना, मैंने अपने बालों को पहले पानी से अच्छे से गीला कर लिया है, उसके बाद यहाँ पे मैंने अनियन शैम्पू ले लिया है, और इसको मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ऐसे ही मत लगाइएगा, बहुत ज़्यादा लगेगा। अगर आप थोड़ा सा इसको पानी में लेंगे ना साथ में, तो आपके पूरे बालों में ईजिली अच्छे से ये लग जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक मग में ले लिया है शैम्पू, आप अपने लेंथ के हिसाब से ले सकते हैं कि आपके बालों में कितना शैम्पू लगेगा। अगर पहले से ऑयली हैं आपके बाल, ऑयल डाल के रखा है आपने, तो शैम्पू थोड़ा ज़्यादा लगेगा, और ऑयल नहीं है तो शैम्पू थोड़ा सा कम लगेगा, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब बहुत ही सॉफ्ट हाथों से आपको अपने स्कल्प में अच्छे से मसाज करते हुए शैम्पू को लगाना है। सो गाइस सेकंड इंग्रेडिएंट्स इसमें है डीप एंथेनॉल, आमतौर पे विटामिन B5 के रूप में जाना जाता है। यह एक मॉइस्चराइजर के रूप में कार्य करता है, बालों को कोट करता है, बालों को सॉफ्ट और शाइनी करता है, और बालों को चमकदार बनाता है। तो गाइस मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप अपना हेयर वॉश करें, तो अपने हाथों को बहुत सॉफ्टली चलाएँ, अपने फिंगर की हेल्प से स्कल्प में अच्छे से मसाज करते हुए शैम्पू का यूज़ करें। सो गाइज इसका थर्ड इंग्रेडिएंट्स है प्लांट कैरेटिन, 18 अमीनो एसिड से बना प्लांट कैरेटिन एक हाईली प्रोडक्टिव प्रोटीन है, जो मॉइस्चर बैलेंस को मेंटेन करता है, बालों को नेचुरल स्मूथनेस देता है, शाइन एंड स्ट्रेंथ देता है। सो गाइज इसका जो लास्ट इंग्रेडिएंट्स है वो है विटामिन ई, ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है, हेयर डैमेज से प्रोटेक्ट करता है, स्कल्प को नरिशमेंट देता है। तो ये देखिए मैंने शैम्पू को अच्छे से अपने बालों में अप्लाई कर लिया है, नीचे तक करना है आपको, अपने लेंथ में भी करना है, और उसके बाद अच्छे साफ पानी से आपको अपना हेयर वॉश कर लेना है। तो गाइस अगर आप मेरे पहले के व्लॉग भी देखते हैं, तो आपने देखा होगा कि अभी मेरे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे थे, तो काफ़ी टाइम से मैं मतलब एक हफ्ता हो गया है मुझे यूज़ करते हुए इस शैम्पू को, तो अभी आप देखना कि मेरे बाल कितने कम टूट रहे हैं, पहले बहुत ज़्यादा टूटते थे जब भी मैं हेयर वॉश करती थी, तो देखिए अभी मेरे बाल बहुत कम, एक या दो ही निकल रहा होगा। तो बस यहाँ पर मैंने पानी से अच्छे से अपने बालों को वॉश कर लिया है। गाइस ये सभी प्रोडक्ट्स क्रुएल्टी फ्री हैं एंड न्यू इम्प्रूव्ड हैं।
तो गाइस अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मम्मा अर्थ अनियन कंडीशनर फॉर हेयर ग्रोथ हेयर फॉल कंट्रोल विद कोकोनट। तो गाइस इसमें सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स है अनियन, जो कि मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ अनियन का क्या काम है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स है वो है कोकोनट। तो गाइस कोकोनट में पौष्टिक गुण होते हैं, यह बालों के रूम में गहराई से प्रवेश करता है, हेयर स्कल्प हेल्थ ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो गाइस जैसे कि अभी आपने देखा कि मैंने शैम्पू अप्लाई किया था अपने बालों में, उसके बाद आपको कंडीशनर लेना है। तो कंडीशनर भी आप अपने बालों के लेंथ के हिसाब से लीजिएगा। मेरे बाल बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, तो बस यहाँ पे वैसे कंडीशनर लेने में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। तो अच्छी क्वांटिटी में मैंने अपने बालों के हिसाब से यहाँ पे कंडीशनर अपने हाथों पे ले लिया है और अच्छे से फैलाते हुए इसे हम अपने बालों के लेंथ में लगाना है। ध्यान रखें कंडीशनर को आपको स्कल्प में नहीं लगाना है, आपको बालों के लेंथ में लगाना है। और जितनी भी नोट बालों में लगी हुई हैं उनको अच्छे से सॉफ्ट हाथों से धीरे धीरे आपको खोलना है और इसको इस तरीके से लगाना है जैसे कि आप मुझे लगाते हुए देख सकते हैं। और यही थोड़ा थोड़ा सा जब हाथों में बचेगा कंडीशनर तो उसको मैं ऊपर की साइड थोड़ा सा लगा लूँगी, जो ऊपर के बाल हैं उनमें लगा लूँगी। ध्यान रखें स्कल्प में नहीं लगाना है, ओनली आपको बालों में लगाना है जैसे कि मैं लगा रही हूँ। और थोड़ी देर के बाद आपको इसको पानी से वॉश कर लेना है। तो गाइस थर्ड इंग्रेडिएंट्स है आलमंड ऑयल्स। आलमंड ऑयल्स में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड, फॉस्फोलिपिड्स, विटामिन ई और मैग्नीशियम बालों को पोषण और मजबूती देते हैं। ये बालों के झड़ने को रोकते हैं, डैमेज हेयर को रिपेयर करते हैं। सो गाइस इसका लास्ट इंग्रेडिएंट्स है कोकोनट ट्राइग्लिसराइड्स, नारियल से निकाले जाते हैं। इनमें एंटी फंगल गुड़ होते हैं, ये बालों को मुलायम और कोमल बनाए रखने के लिए बेस्ट है। तो ये देखिए गाइस मैंने अच्छे से जो कंडीशनर है वो अप्लाई कर लिया है और बस अब पानी डाल करके मैं अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लूँगी और उसके बाद एक साफ़ टॉवल से मैं अपने हेयर को अच्छे से ड्राई कर लूँगी। ड्राई वगैरह का यूज़ बिल्कुल भी ना किया करें, ओनली टॉवल की हेल्प से ही अपने बालों को ड्राई करें। और गाइस ड्राई भी आप जब करें ना तो ध्यान रखें कि बहुत हार्डली आप अपने बालों को मतलब ना ड्राई करें, सॉफ्टली अपने बालों को थोड़ा सा बहुत सॉफ्ट हाथों से अपने बालों को आपको पोंछना है और उनको सुखाना है। तो गाइस अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मम्मा अर्थ अनियन हेयर ऑयल विथ अनियन ऑयल एंड रिटेंसिल। ये हेयर फॉल को कम करता है, लॉस्ट हेयर को रीग्रोथ करने में हेल्प करता है। इसमें शामिल सनफ्लावर ऑयल, आलमंड ऑयल, हिबिस्कस ऑयल एंड अनियन ऑयल बालों को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है, बाहर से चमकदार बनाता है। तो गाइस इसके इंग्रेडिएंट्स में अनियन शीट ऑयल, ये हेयर फॉलिकल्स में ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करता है, हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है, हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। तो गाइस इस ऑयल को आपको हल्के गीले बालों में ही अप्लाई करना है। आप देख सकते हैं बालों को मैंने थोड़ा सा ड्राई कर लिया है, हल्के गीले बाल हैं और अब मैं इस ऑयल का यूज़ करूँगी। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स है गाइस इसका रिडेंसिल, हेयर फॉल को रोकने के लिए अच्छा इंग्रेडिएंट्स माना जाता है। ये हेयर डेंसिटी, थिकनेस, फुलनेस, स्ट्रेंथ, ओवरऑल स्ट्रेंथ को बूस्ट करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स है इसका आलमंड ऑयल्स, जो कि गाइस मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है भृंगराज ऑयल, ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, हेयर फॉल को रोकता है, डीपली मॉइस्चराइजिंग करता है। यह बालों के लिए नेचुरल कंडीशनर के रूप में काम करता है। तो गाइस ये जो ऑयल है ये आप रात को सोते टाइम भी लगा सकते हैं, हेयर वॉश करने के बाद भी लगा सकते हैं। मैं हेयर वॉश करने के बाद लगा रही हूँ और पूरे दिन भर इसको लगा करके रखूँगी, ठीक है। और जब भी आप अपने बालों में ऑयलिंग करें तो ध्यान रखें फिंगर की हेल्प से ही ऑयलिंग करें, अच्छे से स्कल्प में आपको अच्छे से ऑयल लगाना है। इसमें जो ये नॉब दिया हुआ है इसकी हेल्प से मैं ऑयलिंग कर रही हूँ अपने बालों में, बहुत अच्छे से हो जाता है, आपकी स्कल्प में जाके सीधा ऑयल लगता है और बहुत प्यार से हाथों से आपको अपने बालों में अच्छे से ऑयलिंग करनी है। तो गाइस इन्हें मेल और फीमेल दोनों यूज़ कर सकते हैं, ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, इसे सभी प्रकार के हेयर पे यूज़ किया जा सकता है। और गाइस इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये टॉक्सिन पैराविन फ्री है, इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल शामिल नहीं है, ये पीएच बैलेंस्ड है, इसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से मिलकर के बनाया गया है। तो गाइस यदि आप बाय करना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वैसे आप मम्मा अर्थ के प्रोडक्ट्स को अमेजोन, नायका, purple.com से भी बाय कर सकते हैं, लेकिन मम्मा अर्थ की अपनी वेबसाइट से खरीदने पर आपको सभी प्रोडक्ट्स एक ही जगह पर मिल जाते हैं। और गाइस आपको पता है मुझे मम्मा अर्थ बहुत ज़्यादा सूट करता है, आप भी एक बार इसे ज़रूर ट्राई करना। मेरा कोड है Shwara2021, ज़रूर यूज़ करना, इससे आपको 20% फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। ये इंडियन ब्रांड होने के कारण मुझे मम्मा अर्थ और भी ज़्यादा पसंद है, ये वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देता है।
तो गैस यदि आप मम्मा अर्थ के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो उनके कुछ गुडनेस भी हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। जब भी आप ऑर्डर करते हैं उससे ये एक पेड़ से लिंक कर देते हैं और उसकी सेवा करते हैं, तो गैस है ना अच्छी बात, आपके खरीदे हुए प्रोडक्ट से ये इन्वायरमेंट को भी फ़ायदा हो जाता है। उस पेड़ की ये सेवा करते हैं और आपको उस पेड़ की पिक्चर तक भेजने का ये कंपनी काम कर सकती है। ये प्लास्टिक पॉजिटिव है, जितना प्लास्टिक ये यूज़ करते हैं उससे अधिक रिसाइकल करते हैं। फ्रेंड्स, मम्मा अर्थ ने हाल ही में अपना एक ऐप लॉन्च किया है जिसको आप डाउनलोड करके अधिक डिस्काउंट के साथ चीज़ें खरीद सकते हैं और अर्ली एक्सेस के साथ चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। तो गाइस, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप एक बार चेकआउट ज़रूर करना और डेफिनेटली आप इसे बाय करना, एक बार यूज़ करके देखना, उसके बाद कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताएगा कि प्रोडक्ट आपको कैसा लगा। और गाइस, वीडियो अगर थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चलिए व्लॉग को हम कंटिन्यू कर लेते हैं। तो कल मैंने फिर व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया था, अभी नेक्स्ट डे है, सुबह का टाइम है, तो मैंने कल दाल चावल बनाए थे तो थोड़े से दाल बच गई है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, बना रही हूँ दाल के पराठे। उसके लिए मैंने गेहूँ का आटा लिया है और उसमें 2 से 3 चम्मच बेसन डाल दिया, अदरक डाल दिया ग्रेट करके, प्याज डाल दी, हरा धनिया डाल दिया, आप हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, थोड़ी सी अजवाइन डाल दूँगी, थोड़ा सा मैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दूँगी और थोड़ी सी मैं इसमें सौंफ भी डालूँगी, थोड़ा सा नमक डाल दिया स्वाद के अनुसार, ऑयल डाल दूँगी थोड़ा सा मोयन के लिए। इतने खस्ता क्रिस्पी ये पराठे बनते हैं। कोई भी दाल अगर आपके पास बच जाती है, चाहे वो चने की हो, चाहे वो अरहर की हो, या कोई भी दाल हो, सब्जी हो, या फिर आलू की या किसी की भी, उसके आप इस तरह से पराठे बना के खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं, एक नया नाश्ता बन जाता है। तो मैं इसी तरह से बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे थोड़ी थोड़ी जो दाल है और उसको मैं डालूँगी और बिना पानी के ये डो लगा के तैयार कर लूँगी, जितना भी मतलब लगेगा ना उतना मैं इसमें दाल को ऐड करती जाऊँगी, और जैसे हम पराठे का रोटी का डो लगाते हैं वैसे ही लगा लेंगे। और मेरे से एक और गलती हो गई थी, कल रात को मैंने दूध गर्म किया, इतना मतलब टेंशन रहती है माइंड में, तो दूध मैं फ्रिज में रखना भूल गई थी, बाहर ही रह गया, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो सुबह जब मैंने चाय बनाई तो चाय फट गई थी क्योंकि वो दूध ख़राब हो गया था। तो फिर मैंने क्या किया, इसमें नींबू डाल के, और मैंने सोचा कि इसका मैं पनीर बना देती हूँ, बट दूध को इतनी कोशिश की कि ये फट जाए पूरी तरह से, बट 2 नींबू का रस डाला नहीं फटा, विनेगर भी डाला फिर भी नहीं फटा। कभी कभी होता है ना कि दूध फटता भी नहीं है। और देखिए, कल लवली प्राची वगैरह की इनकी बात कर रहे थे और आज सुबह सुबह लवली आ गई अपने आप ही, तो बस आ गई थी तो बोली थी लाओ मामी मैं बना देती हूँ, मैंने आटा वगैरह लगा के रख दिया था, तो वो गरम गरम पराठे बना रही है, मामा जी उठ के खा रहे हैं, और बस हम मेरे लिए और लवली के लिए उसने बना के रख लिया है। तो मैं यहाँ पे किचन को क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद यही हमारा लंच है, मैंने रायता बनाया था और ये दाल के पराठे बने थे, तो मतलब ऐसे टाइम पे बने थे कि फिर मैंने कोई लंच नहीं बनाया था क्योंकि लेट हो गए थे, सुबह हम लोग चाय से ब्रेड खा लेते ना फिर भूख नहीं लगती इतनी ज़्यादा, तो मैंने कोई ब्रेकफास्ट नहीं बनाया था, बस सीधा यही बनाया था, पराठे और रायता था, सैलेड था, नमकीन था, अचार था, यही सब कुछ था। तो इन्होंने खाना खा लिया, उसके बाद फिर मैं और लवली ने भी खाना खा लिया था, तो जो सेकने वाला काम है वो लवली ने कर लिया। और कल हम लोग इनकी बातें कर रहे थे और आज सच में मुझे पता नहीं था कि लवली आएगी, और सच में सुबह सुबह लवली आ गई, तो मैं मेरा व्लॉग चल ही रहा था तो सोचा कि आपको भी दिखा देती हूँ। और चलिए फिर हम लोग भी अपना लंच कर लेते हैं। तो आज पहली बार इन्होंने नए वाले घर में कीबोर्ड अपना ऑन किया था, थोड़ा सा वो बजा रहे थे, इससे ना थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाए क्योंकि टेंशनों से भरा हुआ जब माइंड होता है तो लगता है कि म्यूज़िक वगैरह सुन करके थोड़ा सा मूड फ्रेश कर लो। यहाँ पे हम लोग लंच कर रहे हैं, तो इस ब्लॉग को गाइस मैं एंड कर रही हूँ, पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।